हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी में। तो गाइज, कल की वीडियो में मैंने सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। सिक्स्थ सेमेस्टर ऑफ बी फार्मेसी में आपको किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक। अगर अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर वो आपको पता चल गया तो सिलेबस आप आसानी से समझ सकोगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो मैंने आपको बताया था बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक, ये सब्जेक्ट पर हम वीडियोस बनाएंगे, ठीक। तो हमारा ये यूनिट वन है और पार्ट वन, पूरे बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक हम पार्ट वाइज पूरे सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, ठीक है। और आपकी सपोर्ट ज़रूरी है, आप सपोर्ट करना लाजमी है गाइज। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो वीडियोज़ लगातार आएंगे, ठीक, गुड हैंड राइटिंग के साथ। इधर देखिए, बहुत मेहनत से बनाया हूँ, ठीक, एकदम बेहतरीन ज़बरदस्त नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो ज़रूर ज़रूर जो है ना आपको 100% सपोर्ट मेरी तरफ से मिलने वाला है। आप भी तो मुझे सपोर्ट करना है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले देखते इंट्रोडक्शन, ज़रूरी है इंट्रोडक्शन। सिलेबस कॉपी में आपने देखा होगा बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। तो गाइस, ये देखिए, बायो और फार्मास्यूटिक्स, बायो का माना क्या है, लिविंग थिंग्स, मतलब लिविंग बीइंग्स, वो ह्यूमन हो या एनिमल हो, ठीक, ये है हमारा लिविंग थिंग्स बायो का माना। फार्मास्यूटिक्स मतलब ये डोसेज फॉर्म है गाइस, ठीक है। अभी फॉर एन एग्जांपल, आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा था आपके फर्स्ट सेमेस्टर बी फार्मेसी में डोसेज फॉर्म, ओके, उन डोसेज फॉर्म, वो लिक्विड डोसेज फॉर्म हो या सॉलिड डोसेज फॉर्म हो, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म हो, डिफरेंट वराइटीज ऑफ द डोसेज फॉर्म्स आर देयर, ठीक। वो डोसेज फॉर्म की मेन इंपॉर्टेंट जड़ है वो है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। कौन से ड्रग जो सॉल्यूबल है, कौन सा ड्रग जो सॉल्यूबल नहीं है, ठीक है, कौन सा ड्रग गुड आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी दिखाता है, ओके, सर्फैक्टेंट्स हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सारा कुछ हमने फार्मास्यूटिक्स में देखा था, ठीक। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कॉम्बिनेशन है, मतलब लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग थिंग्स और डोसेज फॉर्म, लिविंग थिंग्स के ऊपर हम क्या करते हैं गाइज, डोसेज फॉर्म की स्टडी करते हैं, ठीक। या टोटली बायो फार्मास्यूटिक्स मतलब डोसेज फॉर्म ऑन लाइफ, लाइफ के ऊपर लिक्विड डोसेज फॉर्म किस तरीके से काम करता है, सॉलिड डोसेज फॉर्म किस तरीके से काम करता है, उन सबको हम देखेंगे। आपको सबसे पहले देखना है, ये देखिए, ये हमारा इन्फ्यूजन है, ठीक, मतलब ये क्या है, हमारा आईवी रूट, ये हमारा ओरल रूट है, ठीक, और ये हमारा इनहेलेशन रूट है, ठीक, जिसे नेसल रूट भी कहते हैं, या लंग्स को डायरेक्ट जाता है। ये देखिए, जब आप इसको देंगे, मतलब ये इनहेलेशन को आप देंगे, तो ये लंग्स के अंदर जाएगा, वहाँ ये क्या करेगा, वहाँ पर एक्शन दिखाएगा, इसका साइट ऑफ एक्शन है लंग्स। तो ये टैबलेट्स देखिए, ये आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप माउथ के अंदर जाएंगे, देन माउथ से जो ना ये स्टमक पर जाएंगे, स्टमक से अब्जॉर्ब होंगे, ठीक, वहाँ से जो ना ये डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन प्रॉपर्टी दिखाएंगे, ठीक, इतना आपको याद रखना है। आगे मैं बताऊंगा आपको फार्मास्यूटिक्स होता क्या इन डीप, आपको बस इतना बेसिक आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक गाइज, यहाँ देखिए, फार्माको मतलब क्या है, फार्माकोलॉजी, काइनेटिक मतलब मूवमेंट ऑफ ड्रग। यहाँ होता क्या है, बॉडी, हमारी बॉडी जो ना वो ड्रग के लिए क्या कर रही है, ड्रग को क्या बॉडी के अंदर रख रही है या ड्रग को एलिमिनेट कर रही है। जब आप किसी भी प्रकार के आप ड्रग लेंगे बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आप डोलो 650 ले लिया, पैरास्टामोल 650 अगर आप खा लेंगे, तो पैरास्टामोल 650 क्या बॉडी के अंदर ही रहेगी, नहीं, मूवमेंट से वो बाहर निकल जाएगी, बॉडी के अंदर ही रहेगी तो वो टॉक्सिसिटी दिखाएगी, एक बात याद रखिए, ठीक है। यहाँ मूवमेंट ऑफ द ड्रग होगा, वो मूवमेंट ऑफ द ड्रग मेनली अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। देखिए, आपको मैं समझाता हूँ, सबसे पहले आप अगर ड्रग थ्रू माउथ ले लेंगे तो ड्रग क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, अब्जॉर्ब स्टमक के अंदर होगा। जब ड्रग का अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वो क्या करेगा, ड्रग अब्जॉर्ब होके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा, मतलब ब्लड के अंदर एंट्री दिखाएगा। आफ्टर ब्लड एंट्री वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक। ब्लड देखिए, हमारे ब्लड क्या एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक, ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो पूरे बॉडी के अंदर फैला रहता है, वही ब्लड के अंदर क्या रहता है, हमारा ड्रग रहता है। वो ड्रग क्या करता है, मतलब वो ब्लड क्या करता है, उस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक। अगर वो ड्रग लाइपोफिलिक है या वो ड्रग हाइड्रोफिलिक है, वो हम बाद में देखेंगे,
मेन इंपॉर्टेंट, वो ड्रग जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करता है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है गाइस, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब यहाँ ड्रग की एक्टिविटी क्या होती है, खत्म होने लगती है, ठीक है। मेनली मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लिवर में होता है। एट लास्ट क्या होता है गाइस, वो ड्रग, ठीक है, एक्टिव ड्रग को ये क्या करते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर, इनएक्टिव बना देते हैं, क्योंकि ड्रग को बाहर निकालना है बॉडी के अंदर, ये तो फंडा है। अगर ड्रग बॉडी के अंदर रह गया तो टॉक्सिसिटी दिखाएगा, ठीक। एट लास्ट क्या होगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा, मतलब ड्रग बॉडी से बाहर चले जाएगा। समझ में आ रहा है, साफ साफ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ड्रग अब्सॉर्ब होगा, ठीक। अब्सॉर्प्शन किधर होगा, ब्लड के अंदर। आफ्टर अब्सॉर्प्शन ब्लड से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, पूरे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा गाइज, मेटाबॉलिज्म होगा, मतलब ड्रग का एक्टिव कंटेंट जो है ना वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ओके, इनएक्टिव हो जाएगा, एक्टिव ड्रग इनएक्टिव हो जाएगा। आफ्टर मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन हो जाएगा, ठीक। हाँ, आप एक बात समझिए, समटाइम्स क्या होता है, इनएक्टिव ड्रग एक्टिव हो जाता है और एक्टिव ड्रग इनएक्टिव हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। प्रो ड्रग इनएक्टिव रहते हैं, जब मेटाबोलाइज दिखाते हैं एक्टिव हो जाते हैं, ठीक, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो नेक्स्ट देखते हैं बायो फार्मास्यूटिक्स, ठीक। द स्टडी ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब यहाँ बायो फार्मास्यूटिक्स मतलब गाइज ये फैक्टर्स का स्टडी है। किस लिए फैक्टर्स का स्टडी, आपको बताऊंगा मैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए, ये हमारे फैक्टर्स है, ओके। अभी वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं गाइस, वो फैक्टर्स हमारे एड्सॉर्प्शन को लेकर हो सकते हैं, वो फैक्टर्स हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हो सकते हैं, वो फैक्टर्स हमारे मेटाबॉलिज्म को लेकर हो सकते हैं, ठीक। अब देखिए, जब आप ड्रग को ले लेंगे बॉडी के अंदर, जब ड्रग इनटेक हो जाएगी बॉडी के अंदर, जब ड्रग चले जाएगी तो सबसे पहले क्या होगा, माउथ के अंदर चले जाएगा, यहाँ देखिए, उसके बाद में स्टमक के अंदर चले जाएगा, ठीक। अगर स्टमक के अंदर अगर ज़्यादा फूड एक्यूमुलेट है, मैंने आपको बताया था, अगर फूड पार्टिकल स्टमक के अंदर ज्यादा होगा तो क्या होगा, अब्सॉर्प्शन कम होगा। तो यहां क्या हो रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द अब्सॉर्प्शन। अगर स्टमक एम्प्टी रहा तो अब्सॉर्प्शन अच्छा होगा, तो यहां फैक्टर्स क्या कर रहा है, मतलब स्टमक को एम्प्टी रख रहा है तो अब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है। सिस्टमिक सर्कुलेशन देखिए, अगर प्रोटीन बाइंडिंग रहा, अगर प्रोटीन बाइंडिंग नहीं रहा, मतलब इसके ऊपर डिपेंडेंस है, अगर प्रोटीन बाइंडिंग रहा तो क्या होगा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन उतना खास नहीं रहेगा, क्योंकि प्रोटीन के साथ बाइंड होकर बना हुआ है वो। अगर ड्रग मतलब फ्री फॉर्म रहा तो पूरे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यही डिफरेंस आपको पता करना है। इसी लिए इसको स्टडी ऑफ फैक्टर्स कहते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। अगर फैक्टर्स अच्छा रहा तो रेट एंड अमाउंट ऑफ द ड्रग जो है ना सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पहुंच जाएगा, ठीक। दिस इंफॉर्मेशन यूज टू ऑप्टिमाइज द थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा फैक्टर्स क्या करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ड्रग की एफिकेसी के लिए गाइस। समझ में आ रहा है, ये देखिए, ये पूरा मैं चार्ट आपको बना दिया हूं। जब बॉडी के अंदर मतलब विद द माउथ या स्टमक, ठीक है, अब्सॉर्प्शन कहाँ होता है, स्टमक के अंदर होता है। जब अब्सॉर्प्शन होगा तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर चले जाएगा ड्रग, ठीक। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ, टारगेटेड साइट्स पर, ऑर्गन्स पर, ठीक है। देन मेटाबॉलिज्म होगा, ड्रग को इनएक्टिव कर देंगे। देन डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर, मतलब वही मेटाबॉलिज्म को क्या कर दें हम, डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एट लास्ट क्या होगा, एलिमिनेशन प्रोसेस से आउट फ्रॉम बॉडी, ड्रग जो है ना बॉडी से बाहर चले जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा सिंपल सा बायो फार्मास्यूटिक्स। बस इतना याद रखो, आपको इतना याद रखना है, बायो फार्मास्यूटिक्स मतलब ये टोटली डिपेंडेंट है फैक्टर्स के ऊपर, ठीक। अगर बॉडी के अंदर, ठीक है, अगर ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचना है तो अच्छे फैक्टर से उसको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अगर अब्सॉर्प्शन में कोई गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, ड्रग जो है ना सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर सीधे तरीके से नहीं पहुंचेगा। अगर सीधी तरीके से नहीं पहुंचेगा तो थेरेपेटिक एफिकेसी भी उतनी खास नहीं आएगी, ठीक। अगर डिस्ट्रीब्यूशन में मामला गड़बड़ हो गया तो ड्रग सीधी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा टारगेटेड साइट पर। अगर टारगेटेड साइट पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो क्या होगा, यस ऑब्वियसली ड्रग का एक्शन नहीं दिखाएगा। ये सभी जो है ना मतलब डिपेंडेंटली है बॉडी के अंदर, फैक्टर्स मेन इंपॉर्टेंट, ओके। ये क्या थे फैक्टर्स, मेन इंपॉर्टेंट जो फिजिको केमिकल फैक्टर्स ऑफ द ड्रग हो, ठीक है, उसके फिजिकल केमिकल फैक्टर मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। अगर ड्रग अच्छा सॉल्युबल होगा तो अब्सॉर्प्शन होगा, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन, एक बात याद रखिए, अगर ड्रग लिपोफिलिक रहेगा तो अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर हाइड्रोफिलिक रहेगा तो कम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब बताता हूँ, देखिए गाइस, ये है हमारा लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक।
जब ड्रग लिपोफिलिक रहेगा, मतलब वो ड्रग जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकेगा, जो ड्रग लिपिड सॉल्यूबल है वो आसानी से सॉल्यूबलाइज हो जाएगा और इसका एब्जॉर्प्शन भी वेरी गुड रहेगा। और हाइड्रोफिलिक के अंदर क्या होगा, यहाँ ये ड्रग सिर्फ वाटर सॉल्यूबल है, लिपिड के अंदर ये ड्रग सॉल्यूबल नहीं रहते। आपको पता है हमारा सेल जो ना वो लिपिड सॉल्यूबल है, अगर ड्रग लिपिड सॉल्यूबल रहा तो आसानी से वो अब्जॉर्प्शन दिखाएगा, इसलिए उसको गुड अब्जॉर्प्शन कहते हैं। अगर ड्रग वाटर सॉल्यूबल है तो वो बैड अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, यहाँ पर डिपेंडेंट है एडीएमई, अगर अब्जॉर्प्शन अच्छा रहा तो एडीएमई अच्छा रहेगा, अगर अब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं रहा तो एडीएमई खराब हो जाएगा। दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट टू रेस्पॉन्स, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ दिस बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक। गाइस, ये हेल्पफुल है टू डिसाइड द डोसेज फॉर्म। ठीक है, लिक्विड डोसेज फॉर्म चाहिए या सॉलिड डोसेज फॉर्म चाहिए, इस पर इंपॉर्टेंट है। देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या ये आईवी रूट में चाहिए या आईएम में चाहिए, पेरेंटल रूट जिसे हम कहते हैं ना नॉर्मली, या ओरल रूट में चाहिए, इस पर भी मतलब बायो फार्मास्यूटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। देन बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस, बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस आपको मैं विस्तार से मतलब लास्ट यहाँ बताऊँगा बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस होते क्या हैं। बस याद रखिए, ये बायो अवेलेबिलिटी मतलब जो परसेंटेज ऑफ द ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच रहा है उसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। बायो इक्विवेलेंस मतलब यहाँ क्या करेंगे, कंपनी ए और कंपनी बी दोनों कंपनी के द्वारा एक ही ड्रग को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कंपनी ए आप अबाउट लीजिए और कंपनी बी जो है ना, ये कंपनी ए अबाउट वाली है, ये देखिए ये अबाउट का कंपनी है। ठीक है, ये हमारा है सिप्ला वाला, ये दोनों एक ही ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दैट इज डोलो 650, मतलब पैरास्टामोल 650। हम कंपेयर करेंगे दोनों के ड्रग के एफिकेसी को, अगर दोनों सेम एफिकेसी दिखाते हैं तो हम उसे बायो इक्विवेलेंस कहेंगे, अगर दोनों सेम एफिकेसी नहीं दिखाते तो उसको हम नॉन बायो इक्विवेलेंस कहेंगे। समझ में आ रहा ना, सिंपल। तो नेक्स्ट हम इन विट्रो एंड इन वीवो कोरिलेशंस भी देखेंगे। इन विट्रो मतलब यहाँ जो है ना, मतलब यहाँ प्रोसेस परफॉर्म्ड होता है इन टेस्ट ट्यूब के अंदर एंड कल्चर डिश के अंदर आउटसाइड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, अक्सर हम कहते हैं इसको हम इन विट्रो कहते हैं, विट्रो। इन वीवो मतलब यहाँ प्रोसेस परफॉर्म्ड होता है विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही, उनके अंदर ही हम क्या करते हैं, ड्रग के फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज को, ड्रग के एक्टिविटी को बॉडी के अंदर ही स्टडी करते हैं। ठीक, चंद टर्म्स आपको डिस्कस करना है, आपको ज़रूरी है वो टर्म्स आपको सीखना है, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन में आते हैं, आगे भी बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अब्सॉर्प्शन, अब्सॉर्प्शन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखिए, ये हमारे ड्रग्स है, मतलब टैबलेट्स है ये ड्रग्स। ठीक है, मतलब ये कहाँ से मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है, ये स्टमक से मूवमेंट हो रहे हैं, ओके, फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब ये देखिए, ये ब्लड वाला है हमारा, यहां से यहां तक जो जाते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मतलब ड्रग क्या आ रहा है, हो रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अदर, मतलब ब्लड से जो एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यूज के अंदर जा रहा है, ब्लड से, ओके, ब्लड से टारगेटेड साइट पर जा रहा है, ब्लड से ऑर्गन पर जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट, एलिमिनेशन मतलब सिंपल है, एलिमिनेशन का माना है बाहर निकलना, एलिमिनेट होना, और ये प्रोसेस टेंड्स टू, मतलब ये एलिमिनेशन दैट टेंड्स टू रिमूव द ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी एंड टर्मिनेट इट्स एक्शन। और ये एलिमिनेशन बेसिकली दो फैक्टर्स पर निर्भर है, मतलब ये हम एलिमिनेशन करेंगे तो उससे पहले हमें मेटाबॉलिज्म पर गुजरना होगा, मतलब सबसे पहले ड्रग को इनएक्टिवेट करेंगे, देन उसके बाद में क्या होगा, ड्रग एक्सक्रीट हो जाएगा, मतलब एक्सिट ऑफ द ड्रग, ड्रग को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ठीक, यस। देन बायो इक्विवेलेंस, बायो इक्विवेलेंस होता क्या है गाइस, इट इज द कंपैरिजन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द टू और मोर प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के बायो अवेलेबिलिटी को कंपेयर करना, उसी को हम क्या कहते हैं, बायो इक्विवेलेंस कहते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल लेके अबाउट और सिप्ला का, फॉर्मुलेशन कंटेनिंग द सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर सेट टू बी बायो इक्विवेलेंट। किसको हम बायो इक्विवेलेंट कहते हैं, वो फॉर्मुलेशन जो कंटेन करते हैं सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, उन्हें हम बायो इक्विवेलेंट कहते हैं। और इफ देयर रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन इज सेम, इनका रेट भी सेम होना चाहिए और अब्जॉर्प्शन का
रेट भी जो है ना सेम रहना है। ठीक, अगर ये सारे पॉइंट्स आपको उन दोनों ड्रग्स के अंदर दिख रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, दैट ड्रग इज बायो इक्विवेलेंट। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे इन डीप। देन बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, या परसेंटेज ऑफ द ड्रग दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन, के कितना परसेंट ऑफ द ड्रग जो है ना सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच रहा है उसको हम इन अनचेंज फॉर्म। अभी देखिए, आपने डोलो 650 ले लिया, ओके, डोलो 650 आपने ले लिया, तो वो डोलो 650, ओके, वो डोलो 650 mg है ना उसका, वो 650 mg इन द फॉर्म ऑफ 650 ओनली सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ अब्जॉर्प्शन होता है, देन क्या होता है गाइस, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके बाद मेटाबॉलिज्म, मतलब ये सारे प्रोसेस को चलना है। ड्रग को जो है ना वो कूद कूद के आना पड़ता है, ड्रग को सारे कठिन रास्तों को पार करके आना पड़ता है, इसलिए वहाँ ड्रग का जो डोसेज फॉर्म रहता है ना वो रिड्यूस हो जाता है। अभी वो कितने तक रिड्यूस होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 500 mg दे दिया तो वो जब तक सिस्टमिक सर्कुलेशन को पहुंचेगा वो 200 mg हो सकता है या 100 mg हो सकता है। इसी 200 mg और 100 mg को हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी, मतलब हाउ मच परसेंटेज ऑफ द ड्रग दैट रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म, कितना ड्रग बचा कुचा ड्रग जिसे हम कहते हैं इन अनचेंज फॉर्म सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है उसको हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। तो गाइज ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, जहां पर हमने टोटली बायो फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात किया है, और हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स और फैक्टर्स, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, बायो इक्विवेलेंस, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स के बारे में भी डिस्कस किया है। मेटाबॉलिज्म मतलब यहाँ ड्रग जो है ना वो इनएक्टिव ड्रग हो या एक्टिव ड्रग हो, अगर ड्रग एक्टिव होगा तो हम उसको इनएक्टिव करेंगे इन द लिवर, अगर ड्रग इनएक्टिव रहेगा तो उसको एक्टिव करा जाएगा इन द लिवर। मेनली मेटाबॉलिज्म लिवर के अंदर होता है विद हेल्प ऑफ द मेनी एंजाइम, साइटोक्रोम P450 या अलग अलग एंजाइम से जो है ना, मतलब मेजरली साइटोक्रोम P450 एंजाइम का नेसेसरली रोल है इन मेटाबॉलिज्म। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा, अगर चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, लाइक कर ले, डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स है, डाउनलोड कर ले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।